क्या आपने कभी किचन सिंक में बिंदी का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको किचन सिंक में बिंदी का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी और साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स हैं जो हमारी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएं, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है आलू को लेकर। तो देखिए, आलू का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने किचन में डेली ही करते हैं और जब भी इसको हमें छीलना होता है तो हम नाइफ से छीलते हैं। इससे छील तो जाता है आलू, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि इस तरह से जब हम छीलते हैं ना तो इस तरह से चाकू से इसका रस निकलने लगता है, वो हमारे हाथों में लगता है और हाथ भी काले होने लगते हैं। तो इसको हम कैसे छीलें कि आलू अच्छे तरीके से हम छील पाएँ, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो आपको क्या करना है, इस नाइफ़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आलू लेना है और उसके बाद हमें लेना है स्क्रबर, जो कि हम बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने नया ही स्क्रबर लिया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कड़क रहता है तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब आलू के ऊपर इस तरह से रगड़ना है और आप देखेंगे जो हम एक आलू जितने टाइम में छील पाते हैं उतने टाइम में हम दो से तीन आलू आराम से छील पाएंगे। और आलू बहुत अच्छे तरीके से छिल जाता है, मैं आपको वॉश करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने आलू छीला है ये मैंने स्क्रबर से छीला है और ये जो दूसरा आलू है इसको मैंने चाकू से छीला है। चाकू से छीलने से क्या होता है, जो आलू में गड्ढा सा बना रहता है ना, इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आलू स्क्रबर से छिल जाता है। तो जब भी आपको आलू को छीलना है आप एक बार इस ट्रिक को आजमा कर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के कंटेनर को लेकर। तो देखिए, इस तरह के कंटेनर ना हम सभी के घर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में पड़े रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो कंटेनर लिया है ये ओट्स का कंटेनर है और हर महीने ओट्स तो आता ही रहता है तो इसका कंटेनर जो है खाली रहता है। तो हम क्या करते हैं, इन कंटेनर को ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, हमें लगता है इनका कोई भी यूज़ नहीं है। तो आज मैं आपको इस कंटेनर का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे हमारी किचन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, इस तरह के बर्तन हम सभी के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में रहते हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। तो उस केस में इन बर्तन को हम इधर उधर रखते हैं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, साथ ही छिपकली भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इन सभी से बचाव कर सकते हैं आप इस तरह से इस कंटेनर का इस्तेमाल करके। अब जितने भी बर्तन हैं इसमें आ जाएँ, आप इसी तरह से रख दीजिए, बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं आएगी और हमारे कंटेनर का यूज़ भी हो जाएगा। इस तरह के कंटेनर का इस्तेमाल हम खासकर जब किचन छोटी होती है तो उसमें कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आपको पसंद आया होगा। तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा कंटेनर है एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला ट्रिक है हमारा नेल कटर को लेकर। तो देखिए, जब भी हम नेल्स को काटते हैं इस तरह से काटना शुरू कर देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी हम बेड वगैरह पर ही बैठ कर इसको काटने लगते हैं तो जितने भी नेल्स होते हैं वो हमारे बेड पर फैल जाते हैं। अब इनको उठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारा बेड भी गंदा ना हो और इजी तरह से हम नेल्स को काट भी पाएं। तो आपको एक पॉलीथीन लेनी है और इस पॉलीथीन को लेकर हमें अपने हाथों को इसके अंदर डाल देना है। इतना हमें ध्यान देना है कि जो हम पॉलीथीन ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब बाहर से हमारी फिंगर जो है दिखाई देना चाहिए। और इस तरह से नेल कटर को अंदर के साइड डाल दीजिए, इजी तरह से आप इसको काट पाएंगे, बिल्कुल भी नेल्स जो हैं इधर उधर नहीं बिखरेंगे। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। देखिए, मैंने यहाँ पर अपने नेल्स को काट लिया है। अब जितने भी नेल्स हैं मैं आपको दिखा रही हूँ सारे के सारे पॉलीथीन के अंदर ही रहते हैं। तो इस तरह से आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करके अपने बेड को गंदा होने से बचा सकते हैं। इस तरह से चाहे आपको अपने हाथों के नेल्स को कट करना है या फिर पैरों के नेल्स को कट करना है, इजी तरह से काट पाएंगे और उसके बाद इस पॉलीथीन को उठाकर आप डस्टबिन में डाल दीजिए, आपका बेड बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिए हैं चावल। अब जब भी हम मार्केट से चावल लाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में लेकर आते हैं। अब इन चावल को ऐसे ही रखते हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा नमी आ जाती है क्योंकि सर्दियों में धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो इस तरह से चावल ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको लेना है
इस तरह के सिलिका जेल के पैकेट। जब भी हम कोई ड्राई फ्रूट वगैरह लाते हैं तो उसके साथ हमें इस तरह का सिलिका जेल का पैकेट भी मिलता है, ताकि चीज़ें जो हैं ख़राब ना हो, लंबे समय तक स्टोर रहें। तो आप इन पैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हमें चावल के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस तरह से देखिए टेप लेना है और छोटा सा टुकड़ा काट कर हमें इस टेप को इस ढक्कन पे लगाना है। अंदर के साइड लगाना है, बाहर के साइड नहीं लगाना है। देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। और एक से दो पैकेट भी आप लगा सकते हैं। अगर 5 किलो चावल है तो उसमें एक सिलिका जेल या फिर दो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। और इसको हमें कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा ये इसको सोख लेगा, और जिसकी वजह से चावल लंबे समय तक स्टोर रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जब भी आपके पास इस तरह के पैकेट्स हों, आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने लिड पे लगा के रखा है, बिल्कुल भी ये निकलता नहीं है। आई होप आपको ये वाला ट्रिक पसंद आया होगा। दाल या फिर चावल जो भी आपको स्टोर करना है उसके कंटेनर पे आप इसको लगा कर स्टोर कर सकते हैं। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैंची ले ली है। अब कैंची का इस्तेमाल हर घर में होता है, कभी कभी हमें कैंची का यूज़ लगता है। तो हम क्या करते हैं, बाहर कहीं भी जाते हैं तो अपने पर्स वगैरह में कैंची को डालकर ले जाते हैं। अब क्या होता है, जब भी हम इसको पर्स में डालते हैं तो कभी कभी अंदर का कपड़ा कट जाता है या फिर जो चीज़ें रखते हैं वो कट जाती हैं। तो इसको हम कैसे रखें कि बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ना कटे फटे और इजी तरह से इसको हम पर्स में डालकर भी रख सकें। तो आपको क्या करना है, इस तरह के पुराने सॉक्स ले लेने हैं। हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पुराने सॉक्स तो रहते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ सॉक्स ऐसे हैं जिनका एक पेयर गुम हो चुका है या फिर सॉक्स ख़राब हो जाते हैं, तो उन सॉक्स को फेंकने की बजाय आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटा सॉक्स है तो आप इसमें छोटी कैंची को इस तरह से देखिए रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें कवर हो जाता है। अब आप इसको पर्स में डालेंगे, बिल्कुल भी ये जो है कटेगा फटेगा नहीं, अच्छे तरीके से आप इसको होल्ड भी कर पाएंगे और बिल्कुल भी हमारे हाथों में लगेगा नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पर्स से हम कैंची निकालते हैं और वो हमारे हाथ में लग जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। और जो बड़ी कैंची है आप इसको इस तरह से भी देखिए रख सकते हैं इसमें, इस तरह से बिल्कुल भी इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी, अच्छे से ये सेफ रहेगी। तो इस तरह से हम पुराने सॉक्स का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक भी आपको पसंद आया होगा। ओल्ड सॉक्स से रिलेटेड मैंने और भी टिप शेयर किए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। तो देखिए किचन सिंक को जब भी हम रात में खाना पीना हो जाता है उसके बाद अच्छे से क्लीन करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो किचन सिंक का ड्रेन होता है पाइपलाइन, यहाँ से कॉकरोच कीड़े मकोड़े हमारे किचन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाती है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिससे बिल्कुल भी कॉकरोच कीड़े मकोड़े हमारे किचन में नहीं आएंगे। आपको लेना है प्याज और इसको हमें ग्रेट कर देना है इस तरह से, और अच्छे से ग्रेट करने के बाद हमें इसमें डालना है थोड़ा सा टैल्कम पाउडर। उसके बाद हमें लेना है हल्दी पाउडर जो कि हम सभी के किचन में मिल जाता है। अब तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल करना है हमें बिंदी के पैकेट पर। तो देखिए बिंदी का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ करती हैं और इसका पैकेट तो खाली होता रहता है। ये पैकेट काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो इस पर हम इस सॉल्यूशन को ईजी तरह से लगा पाएंगे, बिल्कुल भी ये मेल्ट नहीं होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, हमें अपने किचन सिंक के ड्रेन एरिया पर इस तरह से देखिए रख देना है। जो सॉल्यूशन है वो नीचे के साइड हो जाएगा। इस तरह से इसकी स्मेल से बिल्कुल भी कॉकरोच वगैरह कीड़े मकोड़े हमारे किचन में नहीं आएंगे और इस तरह से बीमारी भी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये छोटा सा ट्रिक आपके बहुत काम आएगा, एक बार आप इसको आजमा कर देखिएगा। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। तो देखिए वाइपर का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और जैसा कि ठंड के दिन हैं
ऐसे में पोछा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। अगर घर में मॉप है तो हम उसका इस्तेमाल करके पोछा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि हमारे पास मॉप नहीं है तो उस केस में हम इस तरह से वाइपर में कपड़ा लगाकर पोछा लगाते हैं। अब इसमें हमें एक दिक्कत आती है कि कपड़े को हम लगाते हैं और बार बार कपड़ा जो है स्लिप होता रहता है, इस तरह से पूरा ही कपड़ा निकल जाता है, तो हमें बार बार इसको उठाकर सेट करना रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और ख़ासकर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप एक बार इसको सेट करेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब इस तरह से देखिए कपड़े को लेना है, उसके बाद हमें इसको इस तरह से डाल देना है एक साइड से, और दूसरे साइड से देखिए पलट के हमें इस तरह से डाल देना है। अब अंदर का कपड़ा जो है पीछे के साइड हो जाएगा और ऊपर का कपड़ा इस तरह से बाहर के साइड। अगर ऐसे ही यूज़ करेंगे ये वापस से निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको लेना है क्लोथ क्लिप, जो कि हम कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो क्लिप आप इस तरह से लगा दीजिए। अब आप इससे कितना भी पोछा लगाएं ये बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। इसको आप कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए जहाँ पर स्पेस बहुत कम होता है वहाँ पर भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। वॉल की क्लीनिंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर की साइड देखिए जो ऊँचे ऊँचे पंखे लगे होते हैं ऊँचाई पर, वहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, तो इससे आप वहाँ पर भी क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। तो इस तरह से एक छोटे से टिप से हमारा काम कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक भी आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी टिप पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।